नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी निकाह के बारे में। जी हाँ साथियों, सऊदी में लोग शादी कैसे कर सकते हैं इस पे इसके ऊपर बता दूं, सऊदी जो न्याय मंत्रालय है उन्होंने एक अपना कानून बांध लीजिए या अपना बयान जारी किया है। जी हाँ, सऊदी में रहते हुए आप शादी कैसे कर सकते हैं। अब सऊदी में रहते हुए शादी का मतलब ये हो गया, अगर आप सऊदी की लड़की से शादी करना चाहते हैं ठीक है, या फिर सऊदी की लड़की बाहर के लड़के के साथ शादी करना चाहती है वो कोई इशू नहीं है। आप कहीं से भी, आप सऊदी लोकल भी हो सकता है लड़का लड़की, या फिर वो लड़का लड़की विदेश का भी हो सकता है, जैसे इंडियन कहीं का भी हो सकता है। जी हाँ, तो आप शादी किस तरह से कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, 5 मिनट में पूरी डिटेल से हम बताएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको नई नई अपडेट सऊदी से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। देखिए, सऊदी जो न्याय मंत्रालय, उन्होंने अपने एक बयान जारी करके उन्होंने बताया, वेबसाइट के जरिए हमने ये रिपोर्ट हमारे पास आई है, इनमें ये बताया कि अगर आप शादी निकाह करना चाहते हैं सऊदी अरबिया में। जी हाँ साथियों, अब इसमें क्या मतलब होता है, देखिए दुल्हन सऊदी की है, दूल्हा बाहर का है, ये समझ सकते हैं। तो दोनों अपने शादी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ऑनलाइन आवेदन उनको करना होगा। जी हाँ साथियों, जो उनकी अलग से एक वेबसाइट बनी है उस पे आपको जाके ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा ठीक है। अब आवेदन आप करोगे तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा मैं बता दूं, आपका दोनों का, दूल्हा दुल्हन का दोनों का होना जरूरी है ऑनलाइन। उस टाइम जब आप शादी आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर आप अपनी ऑनलाइन रजिस्टर्ड मैरिज कर रहे हो, उस टाइम की हम बात करें तो होना जरूरी है। आगे हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको अरबी भाषा नहीं आती, आप विदेशी हैं, लड़की विदेशी है, या फिर कोई भी लड़का लड़की कोई भी है, विदेशी देशी विदेशी है, उनको अरबी नहीं आती है, तो ये काम अपने वकील के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, ऑनलाइन प्रक्रिया अपना वकील जो भी आप कर सकते हैं वो आपका प्रोसेस पूरा करवा देगा। आगे हम बात करेंगे दोनों की, बता दूं ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान पावर ऑफ अटर्नी होनी जरूरी है। पावर ऑफ अटर्नी समझ रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती किसी को बिठा दिया और ऐसे शादी नहीं हो सकती हुई, इसको समझ लेना। इस पूरा इसका अग्रीमेंट बनेगा और सभी पक्षों की मौजूदगी होनी जरूरी है। सभी पक्षों में कौन आएगा, आपके घर वाले वो आएंगे, जो आपके मदर फादर जो भी होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी, उनकी मौजूदगी होनी जरूरी है। मतलब के तौर पे सपोज करिए दोनों पक्षों में एक पक्ष का पक्षकार नहीं है वहां पे, जैसे लड़का लड़की दोनों हैं, एक का पक्षकार वहां पे मौजूद नहीं है, तो ये अपना प्रोसेस जिनके पास, जिनके परिवार वाले नहीं है उस टाइम, वो अपने वकील के जरिए पूरा प्रोसेस उनके द्वारा करवा सकते हैं। जी हाँ, आगे हम बात करते हैं, मान लीजिए लड़की तलाकशुदा है, कई बार ऐसा होता है दोबारा मैरिज करते हैं, तलाकशुदा होता है तो उसका तलाक नामे के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो वहां पे होने चाहिए। ये नहीं कि भाई बोल दिया मैं तलाकशुदा हूं लेकिन वो उनका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ होना जरूरी है तभी वो रजिस्टर्ड शादी माने होंगे ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, अगर आगे बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि लड़का लड़की में से कोई नाबालिग हो सकता है, क्योंकि वहां आपको पता है नाबालिग शादी कर सकते हैं, तो इसी दौरान मान लीजिए लड़का लड़की कोई नाबालिग है, उम्र उनकी कम है, तो उनके अभिभावक, उनके परिजन, उनके परिवार वाले अपने अपने सहमति प्रमाण पत्र वहां पे देंगे कि भाई ठीक है हम सहमत हैं ये शादी होने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आपको बात को। आगे हम बात कर ले, मान लीजिए कि दुल्हन शादी कर रही है उस दौरान उनके फादर नहीं है ठीक है, वो बोलती है मैं अकेली हूं, तो उनके परिवार में जितने भी लोग है ठीक है उनका बायोडाटा पूरा एड्रेस वाइज उनका होना जरूरी है, पूरी सूची उनको वहां पे ऑनलाइन मैरिज में देनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं, दोनों में से मान लीजिए दोनों में से एक बाहर का बंदा है तो एक वहां का बंदा है, तो शादी का जो प्रोसेस रहेगा ना वो नहीं कि लड़का इंडियन है या फिर लड़की सऊदी की है, या फिर लड़का सऊदी है लड़की इंडियन है, तो वहां कानून वहां का चलेगा सऊदी अरबिया का भाई, ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक कैंडिडेट वहां का है इसलिए वहां की सरकार ने बोला है कि भाई सऊदी की जो कानून व्यवस्था है उसकी योजना के अनुसार उनकी शादी मान्य हो जाएगी। तो आप आई होप आपको डिटेल थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी, बाकी भाई जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो अपने आप पता लगाएंगे। समझ गए होंगे बात को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।